हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू द जैन किचन। जैन किचन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे टेस्टी मूंगफली की नमकीन। बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके लिए हमने इंदौरी मूंगफली 250 ग्राम ली हैं। इनको हम वॉश कर लेंगे जिससे इसमें जो गंदगी होगी वो निकल जाएगी। वॉश करने के बाद इसका पानी निकाल देंगे। अब फिर से हम पानी ऐड करते हैं और इन्हें 10 मिनट के लिए भिगोकर रख देंगे। हम 10 मिनट बाद देखते हैं। इस तरह हम इनका पानी ड्रेन कर देंगे। अब हम एक बड़ी प्लेट लेते हैं। इसमें हम मूंगफलियों को फैलाकर रख देंगे। अब हम इसमें मसाला ऐड करते हैं। एक पिंच हमने यहाँ हींग ली है। इस तरह मसाले हमें फैलाते हुए डालने हैं। आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, एक चौथाई चम्मच हमने वाइट सॉल्ट लिया है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चौथाई चम्मच हल्दी, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, एक चौथाई चम्मच हम काली मिर्च पाउडर। मसाले आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आधा चम्मच हमने अमचूर पाउडर ऐड किया है। अमचूर पाउडर की जगह आप नींबू का रस या दूसरी खटाई भी डाल सकते हो। यहाँ हमने एक बाउल बेसन लिया है। बेसन को हम सारी मूंगफलियों पर हल्के हल्के से छिड़केंगे इस तरह। अब हम इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे मसाला और बेसन मूंगफली पर अच्छे से सेट हो जाए। अभी हमने कुछ बेसन और बचा के रखा है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है। बाकी बचा बेसन भी हम इस पर स्प्रे कर देंगे। आपको जितनी मोटी लेयर चाहिए उस हिसाब से आप बेसन डालना। इस तरह देखिए मूंगफली के दाने एकदम अलग अलग हैं। देखिए तैयार हो गई है मूंगफली। अब हमने कढ़ाई गरम करने रख दी है। इसमें हमने ऑयल डाल दिया। ऑयल को हमें अच्छा गरम करना है। देखिए अब हम कलछी की सहायता से मूंगफली डालेंगे जिससे बेसन एक्स्ट्रा जो होगा वो थाली में ही रह जाएगा। ऑयल भी अच्छे से गर्म हो गया है, बबल्स आने लगे हैं। गैस को हम लो कर देंगे जिससे मूंगफली भी अंदर से अच्छे से फ्राई हो जाएगी। देखिए मूंगफली सिक्का तैयार हो गई है। दूसरा बैच भी हम इस तरह सेक लेंगे। इसको थोड़ा सा बीच में हिला देंगे। एक बार में उतनी ही
मूंगफली डालनी है। मूंगफली सिक्का तैयार हो गई है। इस तरह हमने सारी टेस्टी फ्राई कर ली। देखिए कितनी सुंदर दिख रही हैं। अब हम आपको बताते हैं ये क्रिस्पी बनी है या नहीं। आपको आवाज़ आ रही होगी। इस तरह मसाले भी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डालें तो आपको ज़्यादा पसंद आएगी। अब हम इसमें कुछ मसाले और ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच नमक, वाइट सॉल्ट, थोड़ा सा काला नमक, 1/2 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च, 1/4 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर। सारी टेस्टी हम इसमें डाल देंगे। टेस्टी ठंडी करके ही हमें मसाला ऐड करना है। अब इसे बंद करके अच्छे से सेक कर लेंगे जिससे मसाले सारी टेस्टी में अच्छे से चिपक जाएं। देखिए अब हम आपको दिखाते हैं। इस तरह इन्हें बनाकर आप एयरटाइट कंटेनर में रख सकते हो। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर।